स्पीकर ने आदेश जारी किया है, दोष मुक्त होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन सदस्यता तो अब वो पार्लियामेंट में तो आप लोगों को घेरना शुरू करेंगे। कौन बड़का काम करेंगे, इतना दिन से राहुल गांधी हैं, पूरा देश जानता है कि उनका क्या राजनीतिक कैरेक्टर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। बता दें कि राहुल गांधी को जो हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अब उनकी सदस्यता जो है उन्हें वापस मिल रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी मानसून सत्र में पहुंचेंगे और मानसून सत्र में पहुंचने के बाद किन मुद्दों पर वो सवाल उठाने वाले हैं। वहीं क्या मानसून सत्र में पहुंचने के बाद मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। इन सभी सवालों पर सम्राट चौधरी ने ये कह दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, फिलहाल पूरा मामला खारिज नहीं किया गया, वो अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुए। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर भी सम्राट चौधरी जमकर बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। साबित हुए हैं क्या लोगों तो नहीं ना हुए? अभी तो कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके आधार पर लोकसभा के स्पीकर ने आदेश जारी किया है, दोष मुक्त होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन सदस्यता तो अब वो पार्लियामेंट में तो आप लोगों को घेरना शुरू करेंगे। कौन बड़का काम करेंगे, इतना दिन से राहुल गांधी हैं, पूरा देश जानता है कि उनका क्या राजनीतिक कैरेक्टर है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या क्या मानते हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झटका लगा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जिस तरीके से? पहले इनको कोई मानने वाला था ना आज मानने वाला, नीतीश कुमार जी लटके हुए रह जाएं। सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के ये कह रहे हैं कि उनका खुद का कुछ वजूद ही नहीं है। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है, पूरे मामले को खारिज नहीं किया है। इस पर जो भी अपडेट है लगातार हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे।